वेलकम टू माई चैनल तनुषी एंड फैमिली। माई नेम इज शिवानी और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे की दूध की बोतल जो है उसे छुड़वा सकते हैं इजीली। और अब से कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था कि कैसे मैंने अपनी 2.5 साल की बेटी की ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाई बिना उसे रुलाए सताए और बिना बहुत ज़्यादा परेशान किए। ऐसे ही कुछ टिप्स दूंगी मैं आपको बॉटल छुड़वाने के लिए भी। और अगर आपने ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है तो आप वो मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट किड्स में। और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगी। किड्स वाली प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्कूलिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है तो वो स्कूल से रिलेटेड भी मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बाकी और भी किड्स से रिलेटेड जितनी वीडियो है उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा और बाकी वीडियोज़ भी आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे एफर्ट्स के लिए। कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको मेरे ये टिप्स। इसके अलावा और कोई आपकी रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ में, सभी पेरेंट्स के साथ में जिनके घर में बच्चे हैं उनके साथ में, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अगर वो भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे छुड़वाएं इजीली, तो उनको भी थोड़ा बहुत पता चल जाए, कुछ आइडियाज़ मिल जाए। इसके साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप आगे आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो देख पाएँ। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें जब भी मेरी न्यू वीडियो आया करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं रिया, जिनका नाम है रिया तलरेजा। थैंक यू सो मच रिया अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए। मुझे आपके काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, और आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी ब्रेस्ट फीडिंग वाली वीडियो पे आपने मुझे कमेंट करके मुझे सजेस्ट किया था कि मैं बॉटल कैसे छुड़ाएं उस पे वीडियो बनाऊँ, और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लाई हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही कमेंट करते रहा करो। और भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, आप उनके नाम भी मैं ज़रूर लूँगी अपने आगे वाले वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में। तो आप अपने अपने प्यारे से जो कमेंट्स हैं वो मुझे देते रहा करिए और अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहा करिए मेरे साथ। से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कब और क्यों छुड़वाना चाहिए हमें बॉटल को। 1 साल से बड़ा बच्चा आई थिंक हो जाए तब हमें छुड़वाना चाहिए, ताकि जब बच्चा चेंज करे बॉटल से, जब आप उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो कप्स में या फिर ग्लास में, जिससे भी आप नेक्स्ट दूध पिलाना चाहते हो, जब आप वो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो हो सकता है बच्चा कुछ टाइम के लिए रिफ्यूज़ करे दूसरी चीज़ से लेना, या फिर बॉटल 3-4 बार पी लेता हो वो, बट कप से या ग्लास से 1 या 2 बार ही पिए। तो जो न्यूट्रिशन की कमी, जो दूध की कमी वो बॉटल से उसकी हो रही है, वो एटलीस्ट वो खाने से पूरा कर ले। तो बच्चा जब प्रॉपर खाने लग जाए तब ही आप उसकी बॉटल छुड़वाना शुरू करिएगा। कम से कम 1 साल से बड़ा हो जाए बच्चा, क्योंकि 1 साल तक तो दूध की एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की ग्रोथ के लिए। तो 1 साल के बाद ही आप कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्यों हमें छुड़वाना चाहिए, क्यों कितनी बारी लोग कहते हैं कि 3-4 साल तक अगर बच्चा पी रहा है तो पीने दो, क्या दिक्कत है, बाद में आराम से छोड़ देगा। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं आपको करना चाहिए बॉटल के लिए, क्योंकि बच्चा जब बॉटल से निपल से दूध पीता है तो एक यहाँ पे जो मुंह का मूवमेंट होता है सकिंग वाला, उससे बच्चे की जो ये टॉन्सिल्स वाली गले की जो नसें होती हैं, इसके साथ साथ दिमाग की भी नसें जो होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उन पे ज़ोर पड़ता है और बच्चे की डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा हैसल पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है सक कर कर के, तो इसके साथ हो सकता है वो प्रॉपर से खाना ना खाए, मुंह से चबाए ना, तो और सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम से आप बच्चे की बॉटल छुड़वा दें। 2 से 2.5 साल का बच्चा हो जाए मैक्सिमम आप तब तक उसे बॉटल से दूध दीजिए। 2.5 साल की उम्र तक आते आते ब्रेस्ट फीड भी और बॉटल भी आई थिंक छुड़वा देना चाहिए। फिर भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल तक, उससे ऊपर किसी भी हाल में आप बच्चे को दूध की बॉटल कंटिन्यू मत करवाइए। दूध आप उसे देना चाहते हैं तो आप उसे कटोरी चम्मच से दीजिए, ग्लास से दीजिए, सिपी कप से दीजिए,
कप दीजिए, अलग अलग स्टाइलिश कप आते हैं उससे आप दीजिए, तो आप कोई भी और मेथड चूज कर सकते हैं, बट बोतल को छुड़वा दीजिए प्लीज़, ये आपके बच्चे के लिए ही बेनिफिट में आएगा काम। हो सकता है उसे बोतल की इतनी ज़्यादा लत लग जाए कि आगे और बड़ा होके वो छोड़े ही ना और दूसरी दिक्कतें भी उसको हो जाएँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम से आप उसे छुड़वा दीजिए। कम से कम एज हो 1 साल और मैक्सिमम से मैक्सिमम एज हो 2.5 से 3 साल। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ कि आपको उसे रिप्लेस कैसे करना है। दूध अगर आपने बोतल से छुड़वा भी दिया, तब आप उसे कुछ ऐसा पहले देखिए कि किस चीज़ से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई अट्रैक्टिव सा उसकी पसंद का कप ला के दीजिए, उसे शॉपिंग पे ले जाइए, खुद से उसे कप चूज़ करने को बोलिए, या फिर कोई ऐसा ग्लास हो जो उसे पसंद हो, कलरफुल प्लास्टिक के ग्लासेस आते हैं आप वो देख सकते हैं, या फिर स्ट्रॉ से अगर आप उसे पिलाना चाहते हैं, या कुछ सिपी कप है कोई भी, आप पहले उसका रिप्लेसमेंट देखिए, बच्चे को उसे पसंद करवाइए, कुछ दिन उसमें पानी दीजिए, दूध दीजिए, उसे सक करना उससे आ जाए, ढंग से पीना आ जाए पकड़ के, फिर उसे रिप्लेस कीजिए दूध के साथ में। एकदम से उसकी सारी फीड मत चेंज कर दीजिए, धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस लाइए। जैसे कि अगर बच्चा पूरा दिन में भी पीता है, रात को भी बॉटल लेता है सोने से पहले, या बीच में भी लेता है, उस केस में पहले आप उसे दिन की बॉटल छुड़वाइए और दिन वाले टाइम में उसे दूध से की जो बॉटल है उसे रिप्लेस कर दीजिए कप से, और रात वाला थोड़े टाइम के लिए चलने दीजिए। जब धीरे धीरे उसका दिन वाला फीड छूट जाए, फिर आप उसे रात वाला ट्राई कीजिए, क्योंकि रात की जो एक बॉटल होती है बच्चे की, या रात की जो फीड होती है, उससे बच्चा बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। उसको कितनी बारी होता है बच्चे को कि दूध के बिना नींद ही नहीं आती है, तो दो दो चेंजेस एक बार में हो जाएंगे, दूध भी की बॉटल भी छूट रही है और नींद में भी प्रॉब्लम आएगी कि कैसे अब बच्चा सोएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस एक बार में मत कीजिए, धीरे धीरे करके कीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, जब बच्चे की आप दूध को छुड़वाएंगे, तो हो सकता है कि शुरू शुरू में बच्चे की जो दूध की रिक्वायरमेंट है, जितना वो पीता था, वो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए। पहले वो 4 से 5 बार हो सकता है बॉटल पीता हो पूरे दिन में, और जब आप उसे चेंज कर दें तो दूध की जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, या दूध जो वो मांगे, वो कम हो जाए, 1 या 2 बार ही पिए वो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप कोशिश कीजिए कि उसे दूसरी चीजों से उसके न्यूट्रिशन जो है वो फिल करने की कोशिश करें, उसे खाना दीजिए न्यूट्रिशन, या जो भी उसकी पसंद की चीजें हैं वो दीजिए, जिसके थ्रू आप बेबी को न्यूट्रिशन दे सकते हो। इसके अलावा कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, वो आप अदर चीज़ों से फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, या फिर टोफू हो गया, या और भी मलाई हो गई, या खोया हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं, पनीर वगैरह, इतनी सारी चीज़ें हैं दूध की, डेयरी प्रोडक्ट्स, आप उनसे उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर बच्चा दूध उतना ज़्यादा नहीं पी रहा है पहले के मुकाबले, थोड़ी बहुत उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई है, तो इट्स ओके, आप कॉपरेट कीजिए उसके साथ में। शुरू शुरू में हो सकता है कि बच्चा मना करे पीने के लिए, आप उसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिए, और धीरे धीरे करके चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाइए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप उसके पसंद का कप ले सकते हैं, लाइट वाले कप आते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, प्लेन होता है कभी कभी बच्चे से दूध नहीं पिया जाता, चेंजेस में थोड़ा टाइम आता है, तो आप उसे शेक बना के दे सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट उसमें मिक्स कर लीजिए, या फिर चौकोस वाला दूध बच्चे को पसंद है। जैसे मेरी बेटी ने जब ब्रेस्ट फीड छोड़ा है तो वो नॉर्मल दूध नहीं पीती, पर चौकोस वाला दूध पी लेती है, सुबह शाम 2 टाइम में उसे देने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी 1 टाइम पीती है, तो इस तरह से मैंने उसे चेंज किया। तो आप देखिए आप कैसे बच्चे को दूध दे सकते हैं और उसे बॉटल जो है वो भी छुड़वा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कि आप बॉटल को ट्रिक कैसे कर सकते हैं, बच्चे की जो अटैचमेंट है बॉटल से वो कैसे छुड़वा सकते हैं। तो आप कोई कहानी को बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि बॉटल कहीं खो गई, कोई बॉटल को ले गया, और सिर्फ कहानी ऐसे मत बनाइए कि बोल दीजिए कि बोतल तो खो गई, बच्चे को वो चीज़ इनेक्ट करके दिखाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप बच्चे को कहीं घुमाने ले गए, वहाँ पे बोतल आप दिखाइए ऐसे कि हमारे से वहीं पे कहीं रह गई, या फिर कोई घर में आए कोई बच्चा हमारा, कोई क्लोज रिलेटिव हो, कोई नेबर हो, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, वो बच्चे के सामने उसकी दूध की बोतल लेके जाएं, आप बच्चे को समझाएं कि इन्हें ज़रूरत है, ये छोटा बच्चा है इनके घर में, उसको दूध की ज़रूरत है। कोई भी कहानी ऐसी इंटरेस्टिंग सी बनाइए जिससे बच्चे को बिलीव हो, उसकी आंखों के सामने बोतल घर के बाहर जाए या घर के बाहर कहीं छूट जाए, ताकि बच्चे को सच में बिलीव हो कि हाँ मेरी बोतल जो है सच में घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं। आप सिर्फ कहानी बना के कोशिश करेंगे तो वो नहीं मानेंगे, जिद पे जिद करते रहेंगे।
उनकी आंखों के सामने ये चीज इनेक्ट करिए। इसके अलावा उनको समझाइए कि अब टूट की बॉटल हम आपको ला देंगे दूसरी, बट उसमें टाइम लगेगा, जब तक आप धीरे धीरे कप से पीना ट्राई कीजिए। एक बार जब कप की आदत पड़ गई फिर तो वो कंटिन्यू आप उसे कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी तरीका काम ना करे तो आप बॉटल को ट्रिक कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने अपने ब्रेस्ट फीड वाली जो एक मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने अपने निपल्स के ऊपर कुछ अप्लाई किया जिससे बच्चे को गंदा टेस्ट आया। जैसे कि मैंने बताया था कि आप कुछ कड़वी चीज़ अप्लाई कर सकते हो, जैसे मेथी दाना पीस के आप अप्लाई कर सकते हो, करेले का जूस हो गया, नीम का जूस हो गया, या फिर लास्ट में मैंने जो ट्राई किया था वो था हींग। हींग को मैंने पानी में मिक्स करके घोल करके वो लगाया था। आप ये चीज़ अपनी उसकी बॉटल की निप्पल के साथ भी कर सकते हो। आप ये चीज़ उस पर कुछ ऐसा लगाइए जिससे कि बच्चा खुद से ही मना करे उसे लेने के लिए। इसके अलावा कि जो निप्पल बॉटल होती है उसका एक फ्लो होता है जिसके बच्चे की आदत हो जाती है। आप धीरे धीरे करके उसके निप्पल का जो होल है वो काटते जाइए। पहले दिन थोड़ा काटिए, फिर बच्चों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा कि ये फ्लो में थोड़ा गड़बड़ कैसे हुआ है, फिर दूसरा और काट दीजिए, और एक टाइम पे ऐसा कर दीजिए उसे थोड़ा थोड़ा और काटते काटते बड़ा कि उसका निप्पल पूरा ऊपर से कट कर दीजिए, और बच्चे को बताइए कि कैसे ये खराब हो गया है, दूसरा नहीं आ सकता। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी फ्लो को एडजस्ट करने में, तब भी आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं इजीली कि अच्छा इससे ठीक से नहीं आ रहा, आप कप से ट्राई करो, या आप ग्लास से ट्राई करो, या आप स्ट्रॉ भी दे सकते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग ट्रिक अपना सकते हो। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि तनुषी को मैंने बॉटल नहीं लगवाई थी बिल्कुल भी। उसने ब्रेस्ट फीड से अब सीधा छोड़ के बिल्कुल मैंने उसे कप से और मतलब बाउल में चौकोज़ वाला दूध वो पीती है वो मैंने उसे शिफ्ट किया है। बट मैंने उसे बॉटल नहीं लगवाई थी शुरू में, जब वो बिल्कुल छोटी थी, जब हॉस्पिटल से हम उसे लेकर आए थे, न्यू बॉर्न थी उस टाइम पे वो बॉटल पीती थी, क्योंकि वो सिजेरियन था मेरा जो उसका बर्थ हुआ था वो, तो सिजेरियन में जब तक एंटीबायोटिक्स पे हम होते हैं हम बेबी को फीड नहीं करा सकते। तो 3 से 4 दिन मैंने उसे फीड नहीं कराया था, तब उसने बॉटल से ही दूध पिया था। और धीरे धीरे करके जैसे मैंने उसे ब्रेस्ट फीड शुरू करवाया, दोनों हमने एक टाइम पे करे थे, तो लगभग 2 महीने के आसपास, 1.5-2 महीने में मैंने उसकी धीरे धीरे बॉटल इतनी कम कर दी कि उसने अपने आप ही बॉटल से पीना कम कर दिया और ब्रेस्ट फीड ही रेगुलरली शुरू कर दिया था। तो इस तरह से मैंने उस टाइम पे तो बचपन में बहुत इजीली छुड़वा दी थी, बट आई नो बड़े बच्चों को छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मेरी ब्रेस्ट फीडिंग वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने काफ़ी ट्रिक्स शेयर किए हैं जो आप सेम निप्पल्स पे भी, जो बॉटल की निप्पल है उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख सकते हो, आई थिंक आपको हेल्प करे, और ये वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके और कोई क्वेश्चन है और कोई आपकी रिक्वेस्ट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए इस वीडियो से। पसंद आ गई हो वीडियो, थोड़े बहुत आइडियाज़ अच्छे लग गए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब के साथ में एक बेल का आइकन उसको भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि सबके साथ में जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो सारे पेरेंट्स के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।